विपक्ष एकजुट है और ये मोर्चेबंदी सुबह से ही दिखाई दे रही है। विपक्ष के तमाम नेता खड़गे की अगुवाई में ईडी दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें पुलिस बल ने रोक दिया है। तो सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह आरोप कि जेपीसी की मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है, अडानी मसले पर हमारी आवाज दबाई जा रही है, ये भी खड़गे साफ तौर पर कह रहे हैं। इस बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पोस्टर बैनर के साथ 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 का पुलिस बल लगाया गया है, ये आरोप खड़गे ने लगाया है। विजय चौक के पास ही सांसदों को रोक दिया गया है। अमित भारद्वाज, मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल, ये तीनों मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह का सबसे पहले रुख करेंगे। मौसमी, देखिए कम से कम ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष एक सुर से एकजुट होकर बोल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी दूर है, लेकिन आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कम से कम लगता है कि ये आग अब दूर तक लग जाएगी। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहां पर बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, क्या ये आरोप सत्य है जो खड़गे ने लगाया है कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 का पुलिस बल है? बिल्कुल सही है नेहा, देखिए तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट से मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर ये जगह है और राष्ट्रपति भवन से लगभग 1 किलोमीटर दूर। तो आप समझ सकती हैं कि कितना वीवीआईपी इलाका है ये, और जितने भी नेता है विपक्षी पार्टियों के नेता, लगभग 18 पार्टियां एकजुट हुई हैं, वो पीछे की तरफ खड़े हैं। और आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो खड़गे कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत भारी तादाद में सेना बल यहाँ पर मौजूद है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सीआरपी जो यहाँ पे लोग हैं वो उनका बल भी यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे करी गई है, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है ये जो पूरा इलाका है, इसको रहा। और दूसरी बात, कोशिश यही है जो अभी समझ में आ रहा है कि पिछले सुबह से, यानी कि पिछले 3-4 घंटे से जो तैयारी है, वो तैयारी इसी हिसाब से की गई थी नेहा, कि पहला बैरिकेड भी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आपको वही दिखाती हूँ नेहा, मैं जहाँ खड़ी हूँ ये जो जगह है, ये पहला ही बैरिकेड है, यहाँ पे ठीक मेरे पीछे पहला बैरिकेड आपको नजर आएगा। और पहला बैरिकेड भी इस समय नेहा इनको जो है कोशिश की जा रही है कि इनको आगे बढ़ने की अनुमति ना दी जाए। और खड़गे जो कह रहे हैं काफी हद तक सही है, बहुत ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर, और एक छावनी जो है वो यहाँ पे नेहा बना दी गई है। मेरे पीछे भी जो आपको ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड नजर आ रहे हैं, ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इस पहले बैरिकेड को क्रॉस ना किया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ऐश्वर्या, अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। यूपी खाली लाउडस्पीकर्स और इन सबकी बातें कर सकता है यूपी सरकार, और मेरा मानना है कि अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। ये लाउडस्पीकर लगना ना लगने के माध्यम से ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है तो इन सब बातों को छोड़कर सबको मिलकर आगे बढ़ने का काम करना।